गया हमारा एंड गेट प्रोजेक्ट। तो अब मैं इसको एक बार एनालाइज करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है एवरेडी सेल। मैंने दो सेल को कंबाइन करके एक बैटरी बनाया है जो कि इस प्रोजेक्ट का पावर सोर्स रहेगा। और यहाँ पे मैंने दो स्विच लगा दिया है। स्विच का 0 ऊपर की तरफ है जैसे कि यहाँ पे लिखा है, और 1 नीचे की तरफ होगा। ये स्विच ए है, ये बी है और ये वाई है, यानी कि आउटपुट। और ये है हमारा एंड गेट का सिंबल। हम यहाँ पे दो इनपुट करेंगे और यहाँ पे हमें आउटपुट देखने को मिलेगा वाई पे। और यहाँ पे है सर्किट डायग्राम और ये है उसका ट्रुथ टेबल। हम इसको फॉलो करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली हम इसको एनालाइज करेंगे। तो चलिए अब इसका वायरिंग कर लेते हैं। इसका वर्किंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए में डिजिटल सिग्नल 0 है, बी में भी 0 है, मतलब यहाँ कोई डिजिटल सिग्नल नहीं है। तो रिप्रेजेंट होगा 0, मतलब नहीं है। तो अगर ए में डिजिटल सिग्नल 0 है, बी में 1 है, तो रिप्रेजेंट 0। तो अब अगर ए में डिजिटल सिग्नल 1 है, बी में 0 है, तो रिप्रेजेंट 0। तो अब अगर ए में डिजिटल सिग्नल 1 है, बी में भी 1 है, तो रिप्रेजेंट होगा 1।